जय हिंद दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का रिव्यू करेंगे जिसमें वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेगा कि उसके इंटरव्यू में कौन कौन से जीडी टॉपिक्स थे, ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए या फिर उस इंटरव्यू में क्या क्या सारा कुछ प्रोसीजर हुआ, बहुत ही डिटेल से बात करेंगे जिससे फर्दर आप लोग कभी भी उस कंपनी के सिक्योरिटी ऑफिसर वैकेंसी के लिए जाते हैं, मतलब एयर इंडिया का जो सिक्योरिटी ऑफिसर वैकेंसी निकाली गई थी उसके इंटरव्यू में फर्दर आप कभी जाते हैं इन फ्यूचर में, तो आपको काफी हेल्प मिल सके और आप लोग बेहतर तैयारी करके जा सके जिससे आप लोगों के सिलेक्शन होने के चांसेस अधिक हो जाए। तो सबसे पहले थैंक्स टू मिस अनुषी जिन्होंने यह वीडियो बनाकर हमें भेजा। वो ऑलरेडी मुझे पहले से ही फॉलो कर दी थी मेरे चैनल को, ठीक है, उनका काफी पॉजिटिव फीडबैक रहा है हमारे लिए और काफी ब्रेव लेडी है उन्होंने, मतलब अपने साथ साथ दूसरे कैंडिडेट्स का भलाई का सोचा और उन्होंने अपना वीडियो बना के भेजा, मतलब उन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है जिसको अगर आप लोग देखते हैं तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस देख सकते हैं, फाइनली मैं आपको स्क्रीन पे चला रहा हूँ, जो उन्होंने बातें बताई हैं आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। हेलो एवरीवन, अगर आप सभी एविएशन स्टूडेंट्स हैं, एविएशन एस्पिरेंट हैं, तो ये मेरी वीडियो आपके लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना। गाइस, अभी 9 अक्टूबर को एक इंटरव्यू हुआ था दिल्ली में, जो कि एयर इंडिया सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए था। नीरज गुरु जी के, अगर आप चैनल पे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, इन्होंने एक वीडियो अपलोड करी थी इससे रिलेटेड। मैंने भी कहीं से मैंने उस इंटरव्यू के बारे में पता किया था और उसके बाद फिर मैंने कंफर्म करने के लिए यूट्यूब पे आई थी, तो मुझे सर की वीडियो मिली थी और मैंने भी उसी के थ्रू उसको देख के उस पर बिलीव करके ही मैं वहाँ पर गई थी। मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया था, उस दिन का जो प्रोसेस था वो मेरा कंप्लीट हो गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक, और अभी फिर मेल आने के लिए बोला था बट अभी तक तो मेरे पास आया नहीं है मेल। आज है 14 अक्टूबर, कुछ बच्चों का मैसेजेस मुझे भी मिले हैं, पता चला है कि हाँ मेल आया है बट मेरे पास नहीं आया, बट उस दिन का सारा प्रोसेस हो गया था। मैं आपको इंटरव्यू के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पहले तो एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इस चैनल पर जो भी वीडियो आएगी वो फेक नहीं है, वो एकदम रियल है, जेन्युइन है, आप उस पर ट्रस्ट करके आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं। और ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल एडवांस लेवल इंग्लिश आनी चाहिए, आपको नॉर्मल इंग्लिश आती है, उससे थोड़ा सा ऊपर आती है, आप ज़रूर ट्राई करो, डिमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। और ये मैं वीडियो पहले ही बनाना चाहती थी कि उसके अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती थी कि मैं, ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, बट उस दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे टाइफॉइड हो गया था तो मैं नहीं बना पाई हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस इंटरव्यू में सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन हुआ था जिसमें मेरा टॉपिक था वेज एंड नॉन वेज। आफ्टर दैट डिबेट हुई थी इसी टॉपिक को लेके, हम लोगों ने आपस में डिबेट करी, उसमें सिलेक्शन होने के बाद पीआई राउंड हुआ, गाइस पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाद जिन्होंने पर्सनल इंटरव्यू क्लियर किया था उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वहीं पे, और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर हो गया था उनको बोल दिया था कि आपको एक वीक वेट करना होगा, उसके बाद आपको मेल आ जाएगा। और अभी 4 दिन हुए हैं बट मेरे पास अभी मेल आया नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हैं 3-4 जिनके पास आया है, बट मोस्ट ऑफ द ऐसे हैं जिनके पास अभी नहीं है, जिनसे मेरा रेगुलर कांटेक्ट हो रहा है। मैं आपको पर्सनल इंटरव्यू के बारे में बताती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि क्या पूछा इंटरव्यू में। मेरे से जो क्वेश्चंस पूछे थे वो, एक फर्स्ट मेरा इंट्रोडक्शन, सेकंड व्हाई शुड वी हायर यू, थर्ड अगर टेररिस्ट आते हैं कहीं पे आपको फ्लाइट में, एयरपोर्ट पे कहीं पे है कि टेररिस्ट हैं या थीफ हैं तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे, और अगर वो आपको पता चल गया कि वो है थीफ है या टेररिस्ट है तो आप उस सिचुएशन से कैसे निकलोगे और कैसे सबको बचाओगे, ये सिचुएशन थी। दूसरा, किसी किसी स्टूडेंट से ये भी पूछा गया था कि रीडिंग दे रखा था, एक पैसेज दे रखा था उसको रीड करना था, रीडिंग भी देख रहे थे, बाकी सिचुएशंस भी उन्हें दी हुई थी कि ऐसा हो जाए तो आप उस चीज़ से कैसे ओवरकम करोगे, कैसे और लोगों को बचाओगे। मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, 5-6 क्वेश्चन पूछे थे जिसमें व्हाई शुड बी हायर यू, इंट्रोडक्शन एंड व्हाई डू यू थिंक यू आर एडेप्टेबल, और आप इन फ्यूचर किस पोस्ट पे जाना चाहते हो या आप इसी पे रहना चाहते हो या और कुछ करना चाहते हो। मैंने ये बोला था कि मैं एविएशन में गुड पोजीशन पे जाना चाहती हूँ, अचीव करना चाहती हूँ गुड पोजीशन, तो उन्होंने मेरे से बस उसके बाद ये पूछा था, तो मैंने कहा हर
ये यहाँ पे हर इंसान ये चाहता है कि वो लाइफ में कुछ जो भी पोस्ट पे वो है वो उससे ऊपर ही जाए. दैट्स वाई मेरा ये आंसर था. बट उन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक तरह से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे, घुमा रहे थे बच्चों को. उस टाइम पे मेरे को ये लग रहा था कि ठीक है आज तो मेरा नहीं होगा, जब क्योंकि PI में मैं काफ़ी कन्फ्यूज हो गई थी, नर्वस भी हुई थी लास्ट में, क्योंकि क्वेश्चन इतने ज़्यादा क्रॉस करे जा रहे थे. उसके बाद बट उन्होंने मेरे को बोला वेट करने के लिए. फिर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हुआ. डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के बाद आई थिंक 6:30 बज गए थे. फिर उसके बाद हम वापस आ गए थे. मैं बस गाइज इतना कहना चाहती हूँ कि कोई भी वीडियो यहाँ पे फेक नहीं है. आप इस चैनल पे ट्रस्ट करके जा सकते हैं. आगे आपका लक है, आपकी मेहनत है. तो दोस्तों फाइनली आप लोगों ने उनके द्वारा दी गई सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से देख और समझ लिया होगा. और दोस्तों मैं आप लोगों से भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इन फ्यूचर जब आपका सिलेक्शन होगा तो आप लोग भी हमें इस तरीके से वीडियो बनाकर भेजेंगे जिससे हम लोग जन साधारण में इन सभी चीज़ों को बता सके और लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है, और लोगों को जल्दी से जल्दी रियल जॉब मिल सके. क्योंकि आजकल एविएशन सेक्टर के नाम पर बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं जिसमें लोग फंस जाते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है. तो आप लोगों को अपनी हेल्प के साथ साथ दूसरे लोगों की भी हेल्प करना है, मतलब आपको एक जिम्मेदार नागरिक होने का मौका मिल सकता है. तो आप लोग इस मौके को ऐसे यूं ना जाने दें, ठीक है. तो आप लोग अपना भला तो करें ही साथ में दूसरे लोगों की भलाई के बारे में सोचें, इससे आप लोगों की नियति और प्रगति दोनों का पता चलता है, ठीक है. तो दोस्तों इसी जानकारी के साथ खत्म करते हैं आज इस वीडियो को और मैं आप लोगों से जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम.